Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. Friends, today I will tell you how to stitch a garara for your little girl. Friends, ये 2 साल की बच्ची के लिए आप कपड़ा देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. ये जो पीस है ये एक पीस है और ये जो है ये तकरीबन ये शर्ट है, ऑरेंज शर्ट है, ठीक है. यू कैन टेक एनी 2 कलर्स फॉर द कंट्रास्ट. दिस इज़ अ शर्ट पीस. आप बच्ची की लेंथ ले लें कमीज़ की, ठीक है, उसके मुताबिक आपने ये लेंथ लेनी है. सिर्फ ये शर्ट का कपड़ा है, इसमें स्लीव्स और कुछ भी नहीं. ये जो दूसरा कपड़ा है इसके साथ ऑरेंज पड़ा है, ये स्लीव्स के लिए आप निकाल लें, ठीक है. यू हैव टू टेक द ड्रेस फॉर द शर्ट एंड दीज आर द स्लीव्स. सो फ्रेंड्स, रिमेंबर यू शुड हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर योर स्लीव्स. सो स्लीव्स की कटिंग आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ कि आपने इस तरह स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, ठीक है. मैं इसके फुल स्लीव्स बनाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत बनेगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, साथ साथ आपको हम टिप्स भी देते रहेंगे. स्लीव्स मैंने काट लिए हैं. शर्ट की लेंथ मैंने बच्ची की जो शर्ट जितनी आप बनाना चाहते हैं गरारा के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती. सो दिस इज द शर्ट फॉर द किड. अब हम शर्ट की भी कटिंग कर लेते हैं. ये आपने गला काट लिया, दिस इज द नेक. नाउ आई एम गोइंग टू कट द स्लीव्स. आप इसके स्लीव्स का अच्छा खासा पोर्शन हमें इसमें से निकालना पड़ता है. 1 मीटर कमीज का कपड़ा आपने लेना है और 1 मीटर आपने गरारे का कपड़ा, 1 मीटर आपने एक एक मीटर दोनों को लेना है, ठीक है. और ये क्योंकि ये अभी आपको खुली लगेगी लेकिन जब स्टिच होती है तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, सॉरी तंग हो जाती है. सो आप इसकी कटिंग कर लीजिए. नाउ आर शर्ट इज रेडी एंड वी जस्ट हैव टू स्टिच इट आफ्टरवर्ड्स. दीज आर द स्लीव्स एंड ऑलरेडी. नाउ कम टूवर्ड्स द पाइपिंग फॉर द नेक. अब आपने पाइपिंग के लिए जो कपड़ा काटना होता है, जो हम नेक में ऑलरेडी आपको राउंड शेप्ड नेक गला सिखा चुकी हूँ, इस तरह आप कुछ पीसेस ले लीजिए फ्रंट और बैक गले के लिए. This is for the piping and we also have to attach some lace on the gala as well. So I took at least 4 pieces. This is the fabric for the gharara. अब गरारे के लिए आपने कितना पीस लेना है, ये पीस है आपके ऊपर जो नेफा होता है और जो एक निकर टाइप शेप होती है, आपने इतना ले लेना है, ठीक है. जितनी निकर होगी उतनी आपने ले लेनी है, यानी घुटनों से ऊपर जगह का हो, और उसको आपने इस तरह काट लेना है, एक निकर शेप की आपने चीज़ बना लेनी, ठीक है. ये तकरीबन 4 कपड़े हैं, रिमेंबर दिस कि ये पूरा इस तरह आ जाएगा. फिर हम इसको साइड से सी लेंगे. यहाँ से आप एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लें. अब ये आपकी निकल तैयार है, इसको साइड पे रख देते हैं. अब हम आ जाते हैं गरारे पे. नीचे जो आपने जो गरारा बनाना है, ये तकरीबन 4 पीस मैंने ले लिए, ठीक है. ये 2 पीस है, 1, 2 और ये 2 पीस है. इनकी लंबाई ज़्यादा होगी, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द विड्थ बिकॉज वी हैव टू मेक सम गरारा फ्रॉम इट. सो ये क्योंकि स्टिच हो जाएगा इसलिए कपड़ा थोड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रखा करें. चलें, ये हो गया हमारा रेडी और साथ में मैं लगाऊंगी गोटा. सो फ्रेंड्स, ये वो निकर का जो कपड़ा मैंने काटा था वो ले लीजिए. सबसे पहले आपने वो स्टिच करना है बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक गरारा फॉर इट. तो आपने निकर इस तरह खोल ली, ठीक है, और इसके जस्ट साइड्स को आपने, ये नेफा है, ठीक है, नेफे का कपड़ा नाप के लीजिएगा. अब आप जस्ट जो है वो साइडों से इसको स्टिच कर लेंगे. सिर्फ साइडों से आपने अभी स्टिच करना है. फिर हम इसको खोल के दूसरी शक्ल में ले आएंगे. स्टिच ओनली फ्रॉम द साइड्स. फ्रेंड्स, इट्स ऑलरेडी एज यू सी. अब मैं इसको दूसरी तरह करके निकर की फॉर्म में ले आऊंगी. ये आप देख सकते हैं, ये आपकी तैयार हो गई, ठीक है. अब आपने करना ये है कि जहाँ पे इलास्टिक डालते हैं उसकी जगह बना लेनी है. इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे से भी आपने थोड़ा फोल्ड करना है. आपने इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेनी है. ये हमारी रेडी हो गई है.
Now friends, come toward the garara. As you know that I have two pieces for the garara. So for the first garara, आपने जो उसकी जो पेंचा टाइप जगह होती है उसको आपने इस तरह करके आपने पहले उसको नीचे से दोनों को स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये है गरारा का कपड़ा और इसको मैं पहले नीचे से स्टिच कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं डोरी ले लूँगी, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन पहले फ्रंट पे डोरी लगानी है और फिर मैंने चार तकरीबन छोटी डोरी लगानी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि डोरी कैसे अटैच की जाती है, गोटा लेस कैसे अटैच की जाती है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें हमने दुपट्टे पे लगाना सिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको अटैच कर लेना है इसके साथ। अच्छा फ्रेंड्स, आपने ये पूरी लेस लगा के आपने ये इस तरह की चार दफ़ा आपने ये वाली लेस लगा लेनी है, ठीक है, पतली वाली। देख सकते हैं रेडी हो गया। दूसरे पे भी आपने यही कर लेना है। अब इसकी जो पहली वाली साइड है, ठीक है, नीचे तो आपने लेस लगा ली, अब जो ऊपर है उसको आपने इस तरह स्टिच करना है, ठीक है, थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में ताकि उसमें थोड़े से वेव्स बन जाए। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। ये अब हम ऊपर वाले इससे करारे की जो चुनट है वो पहले से आ जाएगी और आपके लिए फिर स्टिचिंग करना बहुत आसान होगी, ठीक है। इस ये करने के बाद आपने धागा थोड़ा दूर काटना है, ठीक है, थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। मेरी कैट एक्चुअली बहुत भूखी है और वो बहुत रो रही है कि मुझे खाना दो, लेकिन पहले मैं स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद मैं खाना दूँगी इसको। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपने धागा इस तरह करना है कि आपने धागे को इस तरह से करके इसमें छोटी छोटी चुंटे बना लेनी है, ठीक है। इस तरह आप धागे को खींचेंगे तो चुंटे बन जाएंगी। अब दोनों के साथ ऐसा करने के बाद आपने इसको जो निकर आपने सी थी उनके पाँव के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकर के साथ अटैच कर देंगे। जो निकर हमने बनाई है उसके जो पाँव हैं, ठीक है, उसके जो आपने जो उसकी जो जगह बनाई है जहाँ पे पाँव होते हैं, तो उसके साथ रख के मैं इसको अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर लूँगी अराउंड, ठीक है। दरमियान की स्टिचिंग हम बिल्कुल एंड में करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये उसका पाँव है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया है, इसको सीधा कर लिया और उसकी जो दरमियान वाली जगह है जहाँ पे मैंने करारे को निकर के साथ अटैच किया उधर मैंने ये पतला सा गोटा लगा देना है। कोई भी आपने लेस लगानी है, गोटा लगाना है, ये लगाना है, आप उसके ऊपर रख के सिंपल सिलाई कर लें। लेकिन याद रखें आपका जो ऊपर वाला जो धागा होगा, जो नलकी है, वो वाइट कलर की होगी, ठीक है, लेस की कलर की होगी, और जो नीचे फिरकी में जो आपकी पड़ी हुई है जो नीचे वाला धागा है वो आपका पिंक कलर का होना चाहिए। बिकॉज इट्स रियली मैटर्स कि आपके जो कलर कंट्रास्ट हैं वो भी सही हो। अब मैं एक और डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पे दो लाइंस दूंगी फ्रंट साइड पे, ठीक है, तो मैं इधर से इधर तक एक और गोटा भी लगा रही हूँ, उसको आप मैंने पूरा कर देना है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये डिज़ाइनर वेयर है, ठीक है, तो आप इतने एक्सपेंसिव जोड़े जो वहाँ से मंगवाएंगे तो आप बहुत आसानी से कॉटन का कपड़ा लेके दो कलर के कंट्रास्ट में अपना फेवरेट और गोटे से आप बना सकते हैं। आपको वैसे ये 5-6 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन आप घर में इसको 1500-2000 के अंदर अंदर बना सकते हैं, बल्कि 1500 से भी कम बना सकते हैं। तो ये मैंने दो कर लिए। ये वेयर ईगो का एक ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत, और ब्रांड्स के कपड़े तो आपको पता है आजकल कितने महंगे हो गए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप स्टिचिंग खुद सीख जाएं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब जैसे कि ये तकरीबन तैयार हो चुका है, अब मैं दरमियान से जो एरिया है उसको मैं स्टिच कर रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर की जो टांगे हैं उन दोनों को मैंने आपस में स्टिच कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई भी इसको बना सकता है घर में बैठ के। ये फ्रेंड्स, हमारा करारा हो गया है तैयार। ये मेरी भांजी के लिए मैं स्टिच कर रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितनी नीट आई है सिलाई। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपका कैसा बना। अब मैं ऑरेंज कलर की जो शर्ट है वो लूँगी। आप चाहे तो बहुत छोटी बनाना चाहते हैं बहुत छोटी बना लें, अगर आप थोड़ी बड़े बनाना चाहते हैं बड़ी। सबसे पहले जो हम ज़रूरी चीज़ होती है कमीज़ में वो होती है गला, ठीक है, तो गले की सबसे पहले मैं पाइपिंग कर लूँगी, जो मैंने कपड़ा काट के अलग से रख लिया था उससे सबसे पहले मैंने इसको स्टिच करना है। गले की कटिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे होती है तो हम ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें आपको गला किस तरह बनाया जाता है वो भी हमने बताया हुआ है।
पहले मैं इसकी अलग से पाइपिंग करूंगी। आपने ये कपड़ा अटैच कर लिया साथ में, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आप ये देखें जो दूसरी साइड है उसके साथ भी हम यही करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों साइडों पे जब कपड़ा लगा लिया तो अब छोटे छोटे कट्स लगा के इसको आपने करना है फोल्ड अंदर की तरफ, और आपने फिर इसको अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने वाइट नलकी का इस्तेमाल करते हुए गोटा लगाना है, क्योंकि पहले मैं ऑरेंज कर रही थी, अब मैंने चेंज करके वाइट कर दिया, क्योंकि गोटा जब मैं लगाऊंगी तो ऑरेंज कलर उसके ऊपर बहुत बुरा लगेगा। फ्रेंड, दिस इज हाउ इट लुक्स। वाओ, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड द कम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड पिंक इज रियली गुड। सो फ्रेंड, एज यू सी, मैंने इसके दामन पे भी लगा लिए हैं, मैंने इसके बाजू जो काटे हुए थे उन पे भी आपने इस तरह गोटा लगा लिया है, आपने दामन पे भी लगा लिया है, ठीक है, आपने गले पे भी लगा लिया। अब मैं इन बाजुओं को, जो कि मैं ऑलरेडी गोटा लगा चुकी हूँ, तो उसको मैं इनके साथ पहले अटैच कर लूँगी, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट स्टिचिंग ऑफ गरारा एंड शर्ट, सो यू कैन ईजीली मेक इट एट होम, यू कैन स्टिच इट एट होम। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता तब भी आप बहुत आसानी से ये स्टिच कर सकते हैं। रिमेंबर, यू शुड नो दैट हमें लेंथ्स कितनी लेनी है, कपड़े की मेजरमेंट क्या करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट टू अस इन द कॉमेंट्स बिलो। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि लोग घर बैठ के अपनी लाइफ को ईजी बना सकें और स्टिचिंग कर सकें। ये मैंने दोनों बाजू अटैच कर लिए, आप देख सकते हैं। जितनी आपकी स्टिचिंग की सिलाई अच्छी होगी उतने आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, चाहे आपने बहुत सस्ते कपड़े पहने हुए हो, सिलाई अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बाजू अटैच हो चुके हैं और मैंने इसको, अब क्या करना है कि अब जो अंदर जो सिलाई है, अब मैं इसको इस तरह करके, जितनी भी आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बाजुओं से शुरू करेंगे, ठीक है, और इनको हमने अंदर से इनको स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, ये आपकी शर्ट रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप कुछ और भी गोटा वगैरह करना चाहते हैं आप ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई इट एट होम। और हमें पिक्चर्स भेजा करें, इंस्टाग्राम पर रावे अहमद के नाम से है, हाउस वाइफ गाइडेंस के नाम से मेरा पेज है, प्लीज़ आप सर्च कीजिए, उस पर आइए, और बहुत जल्द मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप कोई स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें लिखें, हम आपकी डिमांड के मुताबिक ड्रेस बनाएंगे। साथ में आप चूड़ियाँ मैचिंग करें, शूज़ प्यारे से ले लें, छोटा सा दुपट्टा ले लें, तो इस ईद पे बहुत प्यारे लगेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।